वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से मैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा बच्चों मैं आपको विद रिवीजन। अभी मैं आप लोग को इलेक्ट्रोलिसिस से क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद जैसे आप लोग कमेंट करेंगे फिर उस हिसाब से हम लोग कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन बना हुआ है उसको क्लिक कर लें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। अब इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों जो आपको पढ़ना है वो दो चीज़ पढ़नी है। इलेक्ट्रोलिसिस हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये जो चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में तो पढ़ना ही है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो आपको दूसरा पार्ट है जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जब मेरा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो पेन है या मार्कर है, ये मान लीजिए मेरा आयरन का हो और इसके ऊपर मैंने गोल्ड चढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, या मैंने इसके ऊपर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दो इस चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल हमारी जो गाड़ियों की चाबी होती है वो आयरन की बनी होती है, अगर उसमें रस्ट लग जाएगा तो हमारी की खराब हो जाएगी, तो उसके ऊपर हम लोग निकल की कोटिंग कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा हम लोग ज्वेलरी में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दी या किसी मेटल के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो होता इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, तो जो प्रोसेस जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हो जाती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग के जो सुनार होते हैं, ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो जो यहाँ पे है, इलेक्ट्रो यहाँ पे स्टैंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो है, जो वर्ड इलेक्ट्रो है वो स्टैंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट, जो भी आप कहिए, इलेक्ट्रिक करंट। और लिसिस मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग का जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो जैसे आप लोग ने अभी तक पढ़ा होगा कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो किसमें होता है? वायर से होता है। और वायर क्या होता है? वो एक मेटालिक वायर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। और जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल से, वो किसी मेटालिक चीज से फ्लो करता है, वो कॉपर वायर होता है या कोई भी मेटालिक चीज हो सकती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो लिसिस का मतलब आ रहा है वो होगा लिक्विड से, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा थ्रू लिक्विड। अब वो लिक्विड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो आप लोग को मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, देख लीजिए वो कैसे कंसिस्ट करता है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये कंटेनर, इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको दूसरी तरफ बना देता हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक, अब यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे होता है? एक मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर होता है, ये कंटेनर होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। दो रॉड्स होते हैं, मेटेलिक रॉड रहेंगे, तो देखिए दो मेटेलिक रॉड है, यहाँ पे दो मेटेलिक रॉड हो गए। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं? बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो ये मेरी बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे मैं बल्ब लगा दूं, ठीक, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अब इसमें क्या कर दूंगा? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी लिक्विड होगा वो उसमें यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। ये जो लिक्विड है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहां से पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो ये बल्ब भी ग्लो कर जाएगा। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे एक लिक्विड होगा, लिक्विड होना जरूरी है यहाँ पे। ये लिक्विड क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर, इसको वो लिख लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर, लिटिक कंटेनर, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर। ये क्या है, रॉड्स हैं, ठीक है, और ये रॉड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहे हैं, इनके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स, इनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्यों, क्योंकि इनके थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, फ्लो हो रही है, और ये क्या है, रॉड्स हैं, तो इनको क्या बोल दिए, इलेक्ट्रोड्स। अब ये बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, तो ये कैसे चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल, इससे ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। समझ में आई बात, अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर दूं, जहां निगेटिव कर दूं पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस, ठीक, और निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, एनायंस। अब कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर कैटायंस और एनायंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैटायन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि एनायन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप लोग देख लीजिए, कैट में सी ए टी आई एंस, कैट में मेरा टी क्या बना रहा है, टी मेरा क्या बना रहा है, देख लीजिए टी मेरा क्या बना रहा है, प्लस का साइन बना रहा है, यानी पॉजिटिव साइन बना रहा है, पॉजिटिव साइन बना रहा है, तो कैट आयंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टी मेरा कैसा सिंबल बना रहा है, देखिए टी कैसे बनाता है, पॉजिटिव सिंबल बनाता है, तो कैट आयंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव क्या हो जाएंगे, एन आय। अब चार्ज कैसे हम लोग का डेवलप हुआ था, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा अगर आप लोग ने 8th 7th में पढ़ा होगा, माल कैसे चार्ज की डिस्कवरी हुई थी, एक कैट थी, उसके ऊपर क्या किया था, सिल्क रॉड से रब किया गया था, सिल्क रॉड से उसको रब किया गया था, तो इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हुआ, इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हुआ, और चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे, आयंस बोलते हैं, चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो जो कैट के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको हम लोग ने क्या बोला, कैट आयन। तो कैट के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको बोला कैट आयन, और जो रॉड के ऊपर एक चार्ज डेवलप हुआ, अ चार्ज इज डेवलप ऑन अ रॉड, तो उसको क्या बोलेंगे, ए आयन। लेकिन आई क्या है, वॉवल था, तो क्या लगेगा, ए की जगह क्या लगेगा, एन, तो ये क्या हो गया, एन आयन। तो जो कैट के ऊपर डेवलप हुआ वो कैट आयन था, रॉड के ऊपर डेवलप था उसको बोला एनायन था। अब कैट आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब बात समझ लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, NaCl है, इसको हम लोग इसका डिसोसिएशन रिएक्शन लिख लेंगे। डिसोसिएशन रिएक्शन कैसे लिख लेंगे, तो NaCl कैसे ब्रेक होगा। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस मींस सेपरेशन, सेपरेशन मतलब टूटना, अलग अलग होना, तो NaCl है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सेपरेशन होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का, NaCl का है, तो अब NaCl में सेपरेशन होगा, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस आपस में टूट जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब आपको बताना है कि इसमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है, तो Na प्लस ये क्या हमको दिखाई दे रहा, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या होगा, कैटायन, क्योंकि कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। Cl माइनस क्या है, Cl माइनस क्या है मेरा, एनायन, क्योंकि वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे, कंटेनर में होता कैसे। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर है, वही चीज है, सेम है, इसको यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ। दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे मेरे पास, इलेक्ट्रोड्स क्या, दो मेटेलिक रॉड होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक। अब ये किससे कनेक्टेड होंगे, बैटरी से कनेक्टेड होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब ये क्या होता है, बड़ा वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव, स्मॉल वाला टर्मिनल निगेटिव, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
इलेक्ट्रोड और ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। अब इसमें शर्त ये है इलेक्ट्रोलिसिस में, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो होगा थ्रू लिक्विड, किससे होगा, लिक्विड ही बहुत जरूरी है। अब लिक्विड कैसे हो सकता है, बात समझिए, ये लिक्विड कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, या NaCl जब मैं लूं, तो NaCl क्या क्यूब लूं, मैंने NaCl लिया उसको मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा एक्वस, एक्वस NaCl। तो लिक्विड कैसा हो सकता है, एक्वस NaCl हो सकता है, या मैं NaCl को कितना हीट करूं, इतना हीट करूं कितना, 803 डिग्री सेल्सियस। जब मैं NaCl को 803 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करूंगा तो NaCl पिघल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, जैसे लावा होता है, तो वो क्या हो सकता है, मोल्टन स्टेट में हो सकता है, मोल्टन स्टेट। तो दो बात समझ लीजिए, हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड हो। अब लिक्विड कैसे हो सकता है, या तो मोल्टन स्टेट में होगा, या मैं उसको इतनी गर्मी दूं कितना 803 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूं तो NaCl मेरा पिघल जाएगा और वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि लावा होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी हीट एनर्जी, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, NaCl लेंगे, उसको वाटर में स्टर कर लेंगे, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकते हैं, या तो एक्वस फॉर्म होगा या तो मोल्टन स्टेट होगा। मोल्टन स्टेट क्यों, हमें लिक्विड ही चाहिए, क्योंकि यहां पे जब इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तार वार कनेक्ट नहीं कर सकते, हमको लिक्विड के ही थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है। तो जो लिक्विड होगा, लिक्विड कैसे हो सकता है, या तो मैंने उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया तो उसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर मैं NaCl को इतनी गर्मी दूं, इतना गर्म करूं कि वो लावा की तरह पिघल जाए, यानी कि मोल्टन स्टेट में आ जाए, मेल्ट कर जाए, ठीक। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक्वस नहीं लिया, यहाँ पे मैंने मोल्टन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, NaCl है, ठीक। अब हम लोग क्या कहते हैं, लिसिस मतलब सेपरेशन, तो जो NaCl है इसके बीच में सेपरेशन होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिसोसिएशन रिएक्शन कैसे होगा, मेरे पास क्या है, NaCl है, इसको हम लोग डिसोसिएट कर लेंगे तो बहुत आसानी से मालूम है हम लोग को क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब आपको इसमें बताना है कि Na प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, कैट आयन होता है, तो यहाँ पे Na प्लस क्या हो जाएगा, कैट आयन हो जाएगा। Cl माइनस क्या हो जाएगा, Cl माइनस क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, इसको बोलेंगे एनायन। अब यहाँ पे आपको कैसे लिखाना है, मुझे बताना आप लोगों को कि रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, तो मुझे आपको ये बताना है। अब आपको ये चीज पता होगी कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहां लिख लेंगे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो Na प्लस यानी कि अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, NaCl था वो डिसोसिएट हो गया किसमें, Na प्लस में Cl माइनस में। तो आप मुझे बताइए कि ये Na प्लस इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा कि इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, ये देखिए प्लस है तो लाइक लाइक क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो Na किसके प्लस पास जाएगा, निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, तो Na जो है वो किस पे जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक। Cl माइनस क्या होगा, Cl माइनस, माइनस किस पे जाएगा, प्लस वाले पे जाएगा, तो Cl माइनस किस पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि वही चीज मैं बता रहा था। अब बात समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यही मेरा डायग्राम था, तो यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, Cl माइनस आएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, Na प्लस, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात बताइए Na प्लस क्या है, Na प्लस है मेरा कैट आयन, Na प्लस क्या है, कैट आयन। तो कैट आयन किस वाले इलेक्ट्रोड के पास आ रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आ रहा है,
तो कैट आयन क्योंकि पॉजिटिव था प्लस वाला किस पे जाएगा, देख एन ए प्लस क्या था कैट आयन, तो क्या होगा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो एन ए वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया, क्लोरीन वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे गया, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रोड, ये क्या है इलेक्ट्रोड, ठीक। एन ए प्लस क्या था कैट आयन, तो कैट आयन किस पे गया था निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे गया, तो यहां लिख लेते हैं कैट आई एन, ये भी क्या है इलेक्ट्रोड, तो इसको लिख लेते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोड है, और इस पे क्या है सी एल माइनस, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग एन आई एन, तो इसको लिख लिया हम लोग ने एन आई एन। अब इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो जाएगा, तो ये क्या है ए एन एन, और ये क्या है ओड इलेक्ट्रोड का ओड, तो इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो जाएगा एनोड, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे एन आयन जा रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पे एन आयन जाएगा उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो जाएगा एनोड, इस इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा है कैट आयन, तो यहां से हम लोग लेंगे कैट और यहां पे लेंगे ओडी, इसका नाम क्या हो जाएगा कैथोड। एच प्रोनंसिएशन में अच्छा लगता है इसलिए कैटोड अच्छा नहीं लगता, इसे कैथोड एच लगा दिया यहां पे बस, तो ये क्या हो जाएगा एनोड कैथोड। आयन तो दोनों में था तो आयन दोनों का ड्रॉप कर दिया, दोनों में इलेक्ट्रो था वो भी ड्रॉप कर दिया, तो ये हो जाएगा एनोड कैथोड, बात समझ में आई। तो पॉजिटिव वाला मेरा क्या कहलाया, देख लीजिए क्या नाम निकल के आया पॉजिटिव वाले के लिए एनोड, निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या आया कैथोड, ठीक। ये नाम कैसे आया, जिस इलेक्ट्रोड पे कैटायन जाएंगे उनका नाम मैंने बोल दिया उस इलेक्ट्रोड का नाम हो गया कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे एनायन जाएंगे उनका नाम बोल दिया एनोड, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या था Cl- माइनस, Cl- माइनस क्या था एनायन, तो एनायन किस पे जा रहा है इस वाले इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एनोड। Na+ क्या है कैटायन, वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कैथोड। तो अब हम लोग को बात समझ में आ गई, कैटायन क्या होता है मेरा, हमेशा याद कर लीजिए कैटायन क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टी मेरा क्या बना रहा है प्लस का साइन बना रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, कैटायन मेरा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब कैटायन मेरा होता है पॉजिटिव चार्ज, वो जाता है कैथोड पर, वो किस पे जाता है कैटायन गोज टू कैथोड, वो जाता है कैथोड पर, और वो कैथोड क्या होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि पॉजिटिव है तो किस पे जाएगा अपोजिट वाले पे जाएगा, तो कैथोड होता है मेरा निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। वैसे वैसे वर्षा एन आयन क्या होता है, एन आयन होता है निगेटिव चार्ज, एन आयन क्या होता है निगेटिव चार्ज, तो एन आयन किस पे जाएगा एनोड पर, तो एन आयन किस पे जाएगा गोज टू एनोड। अब एनोड क्या होता है अगर ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किस पे जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, तो एनोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड, जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो अब हम लोग बात कर लेंगे रिएक्शन एट कैथोड की और रिएक्शन एट एनोड की। अब मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं, क्योंकि यहां तक तो आपकी बात हो चुकी है, तो मैं यहां पे इसको रब किए देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड रिएक्शन एट कैथोड। अब यहां पे बात बताइए कैथोड पे क्या जा रहा था एनए प्लस, एनए प्लस जा रहा था कि नहीं जा रहा था, और एनए प्लस क्या था मेरा कैटायन। आप ऐसे समझ लीजिए मेरे पास क्या, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड लाइट रहेगा उसका हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन लिख लेंगे, बस सबसे पहले हम लोग ले लेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन, कुछ करना नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम लोग लिख लेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन किसकी लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, और इलेक्ट्रोलाइट क्या था मेरे पास NaCl, तो NaCl को क्या कर लिया हम लोग लिसिस कर लेंगे, यानी कि सेपरेट कर देंगे, यानी इसका डिसोसिएट कर देंगे, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में ये ब्रेक हो गया। अब पॉजिटिव क्या होता है कैट आयन, तो इसको लिख लेंगे कैट आयन, निगेटिव वाला होता है एन आयन, तो इसको लिख लेंगे एन आयन। अब दो चीज और लिखनी है रिएक्शन एट कैथोड, तो लिख लेंगे रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे जाएगा कैट आयन, अभी हम लोग ने बताया आपको कैथोड पे क्या जाएगा कैट आयन, तो कैट आयन क्या है एन ए प्लस, तो हम लोग लिखेंगे एन ए प्लस।
अब यहाँ पे मेरे पास क्या गया एन ए प्लस, और कैथोड मेरा क्या था निगेटिव इलेक्ट्रोड था। अब एन ए प्लस था, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब देखिए कैथोड पे क्या है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और इसमें क्या होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा एन ए, क्या हो जाएगा ये एन ए, क्योंकि देखिए क्योंकि निगेटिवली चार्ज था इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने एन ए ने एक इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या बन गया न्यूट्रल हो गया। अब रिएक्शन एट एनोड लिख लेंगे हम लोग, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या जाएगा एनायन, क्या जाएगा एनायन, एनायन क्या था सी एल माइनस था कि नहीं। अब एनोड क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्या है देख सकते हैं सी एल माइनस किस पे गया एनोड पे गया, ये क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो सी एल माइनस क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इस पॉजिटिव वाले को दे देगा, क्योंकि यहाँ इतने पॉजिटिव, ये इतना पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसको एक उठा के इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके बीच में एफिनिटी हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको फटाक से उठे दे देगा, क्या कर देगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा माइनस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर देगा माइनस इलेक्ट्रॉन कर देगा, क्योंकि पास एक ज्यादा तो इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया, और माइनस इलेक्ट्रॉन कैसे होगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था तो फट से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीएल में। ठीक, अब क्या होगा फिर से एक कोई क्लोरीन आई होगी, बहुत सारे एनएसीएल के मॉलिक्यूल होंगे, तो एक और क्लोरीन आई होगी सीएल माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा सीएल, और सीएल सीएल क्या बना लेंगे तो हमको आखिरी में क्या मिलेगा सीएल टू गैस मिलेगी। तो प्रोडक्ट एट एनोड, तो प्रोडक्ट एट एनोड पे क्या मिलेगा हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी सीएल टू, और एनोड पे हमको क्या मिल जाएगा एन ए मिल जाएगा यानी सोडियम मिल जाएगा। तो ये मेरा पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका है। ठीक, कैसे एन ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन, कैसे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या था निगेटिव इलेक्ट्रोड था, और निगेटिव इलेक्ट्रोड था तो इसके पास क्या था एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने किससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन किस पे गया एनोड पे, एनोड पे क्या था डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन उठा के एनोड को दे दिया, तो क्या हो गया न्यूट्रल स्पीसीज। तो बस आपको ये समझना है जब हम लोग क्या करेंगे रिएक्शन एट कैथोड लिखना है, रिएक्शन एट एनोड लिखना है, रिएक्शन एट कैथोड पे कैटायन कर देंगे, रिएक्शन एट एनोड पे एनायन लिख देंगे, अब उसको न्यूट्रल स्पीशीज बनाना है। न्यूट्रल स्पीशीज कैसे बनेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो फर्ज ने क्या कर दो प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर दो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती थी मतलब एक्स्ट्रा था तो इसको क्या कर दो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, और इसको क्या दिखा दो न्यूट्रल स्पीशीज दिखा दो। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या है टू टाइम्स है, तो इसको कुछ लोग ऐसे बुक में ऐसे लिखा रहा होगा टू टाइम्स, क्या है टू टाइम्स है, तो ये क्या था सी एल माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स सी एल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2Cl- माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2, ये मेरा क्या हो जाएगा रिएक्शन एट एनोड। अब एक और बात आती है कि किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन मालूम हो तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन से नाम ही में समझ में आता है, अगर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है डेट डेशन टी आई ओ एन, थोड़ी स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो नजरअंदाज कर दीजिएगा, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है अगर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो है ही है, तो यहां लिख लेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिख लेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसका पलट यानी कि रिडक्शन हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा पलट रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इधर क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब अगर यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका उल्टा यहां हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस मतलब कम होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या थे 1000 रुपीज थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो गया रिडक्शन हो गया कितना 200 का। ठीक, तो जहां पे माइनस आ जाए, जहां पे माइनस आ जाए वो क्या हो जाएगा रिडक्शन, रिड्यूस। ठीक है,
तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे सर कैसे, जैसे मेरे पास क्या था, 1000 रुपीज थे, ठीक, मैंने क्या किया, मेरे पास इसमें आगे प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक, प्लस, एडिशन मतलब क्या होता, प्लस होता, ठीक है, यहां हमने प्लस साइन लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता, माइनस होता है, तो हमने यहां क्या लिख दिया, -200। तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 -200, यानी कि आखिरी में मेरा 1800 आएगा। अब मान लीजिए रिमूवल, रिमूवल मतलब निकालना, यानी कि माइनस, तो मेरे पास क्या था, 1000 था, रिमूवल मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है -200, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 1200। मतलब अब आप लोग ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है, तो अगर किसी चीज में निगेटिव यानी कि माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लेती है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है, तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगा रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन का मतलब आपको समझाना था, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है रिड्यूस होना, कम होना, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो अगर किसी चीज में कम हो रहा है यानी निगेटिव ऐड हो, निगेटिव आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम होना, तो जो किसी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आपको बताना है कि रिडक्शन किस पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, तो जहां पे क्या हो रहा है, एडिशन यानी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन, उस पे होगा रिडक्शन। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और जहां पे माइनस होगा, रिमूवल मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, कैथोड रिड्यूसिंग है, एनोड ऑक्सीडाइजिंग है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, कैथोड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का आता जा रहा है, तो अगर कोई चीज निगेटिव में होती जा रही है तो क्या होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है, तो किसी की क्या हो रहा है, किसी में कोई चीज अगर निगेटिव आके, निगेटिव आ रही है तो क्या होगा, निगेटिव मतलब कम होना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव मतलब क्या होता है, कम होना, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कम होती जा रही, कम होती जा रहा है उसका चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। और एनोड क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, एनोड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। तो मेरा मतलब क्या था, कैथोड रिड्यूसिंग है, एनोड ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, डिसोसिएशन रिएक्शन, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कुछ कमी रह गई है, कि मैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा कंफ्यूज करके बता गया आप लोग को, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। रिड्यूस मतलब कम होना, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, तो अगर किसी में माइनस हो गया, माइनस मतलब क्या होता है, कम होना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो जैसे ही जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लात मार के रिमूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वो क्या, ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आती है, पसंद में आती है, तो आप लोग बच्चों प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी ये मेरे फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा कोर्स बनाऊं विद रिवीजन, एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, इंक्लूड करूंगा, आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, इसमें प्लीज डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रॉब्लम डाउट लिखिए, मैं आपको आके
उनको सॉल्व करके दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फर्दर ऐसी वीडियो मैथ्स में बनाऊँ या केमिस्ट्री में बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक क्लिक की वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।